कॉमन पोटेंशियल। देखिए बच्चों क्या है, मान लीजिए हमारे पास दो कंडक्टर है, कोई भी दो कंडक्टर, इसकी कैपेसिटेंस C1 है, पोटेंशियल V1 है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है, पोटेंशियल V2 है, क्लियर है। एंड V1 इज ग्रेटर देन V2, V1 क्या है V2 से ग्रेटर है, क्लियर है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, इन दोनों कैपेसिटर्स को एक वायर से जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो हायर पोटेंशियल यानी इस कंडक्टर से लोअर पोटेंशियल यानी इस कंडक्टर तक क्या फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा, कैपेसिटेंस C1 C2, इस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्या फ्लो करने शुरू हो जाएगा, चार्ज करना शुरू हो जाएगा, फ्लो कब तक, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम V ना हो जाए, दिस V इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। ये V क्या कहलाएगा, दिस V इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल, क्लियर। क्या है मतलब, लेट टू कंडक्टर हैविंग कैपेसिटेंस C1 एंड C2 एंड पोटेंशियल V1 एंड V2 सच दैट V1 ग्रेटर देन V2 आर कनेक्टेड बाय ए वायर, वायर से कनेक्ट कर दिया, चार्ज विल स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम ए हाई पोटेंशियल बॉडी टू लो पोटेंशियल बॉडी, वी वन से वी टू की तरफ, कब तक, जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। जहां पर चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा उस समय जो दोनों का पोटेंशियल होगा, सेम पोटेंशियल होगा, वो कहलाएगा कॉमन पोटेंशियल। अब क्वेश्चन है इसका, इसकी वैल्यू कितनी होगी, एक्सप्रेशन फॉर कॉमन पोटेंशियल, एक्सप्रेशन फॉर कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन करते हैं, बिफोर कनेक्टिंग द कंडक्टर्स, हमने अभी कंडक्टर्स को कनेक्ट नहीं किया है, ठीक है, इसका चार्ज कितना हो जाएगा, Q1, Q is equal to CV, तो C1 V1, इसका चार्ज कितना हो जाएगा, Q2, Q2 is equal to C2 V2, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस, यही ना, क्लियर है। चार्ज ऑफ फर्स्ट कंडक्टर Q1 is equal to C1 V1, चार्ज ऑफ सेकेंड कंडक्टर Q2 is equal to C2 V2, total charge is equal to Q is equal to C1 V1 plus C2 V2, clear? अब है after connecting the conductors, हमने क्या कर दिया, conductors को connect कर दिया, जोड़ दिया, जैसे हमने कंडक्टर को कनेक्ट किया है, चार्ज फ्लो होना शुरू हो गया हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक, कब तक, जब तक पोटेंशियल दोनों का वी ना हो गया, अब इसका ही पोटेंशियल वी, इसका ही पोटेंशियल वी, तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, सी वन इन टू में वी, और इसका चार्ज सी टू इन टू में वी हो जाएगा। चार्ज ऑफ फर्स्ट कंडक्टर सी वन वी, सी टू वी, सी वन वी प्लस सी टू वी, वी कॉमन ले लूं, सी वन प्लस सी टू इन टू में वी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है चार्ज ऑलवेज रिमेन सेम, तो चार्ज बिफोर कनेक्टिंग शुड बी इक्वल टू चार्ज आफ्टर कनेक्टिंग, है ना, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज बिफोर कनेक्टिंग और आफ्टर कनेक्टिंग दोनों बराबर होने चाहिए, आफ्टर कनेक्टिंग क्लियर,
यहां से कॉमन पोटेंशियल, यही तो है कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू, V की वैल्यू क्या आ जाएगी, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये आ गया आपके पास कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन। क्लियर है? अब सुनिए एक चीज और। अब जब हमने कनेक्ट नहीं किया था पहले इनको, और फिर हमने क्या कर दिया, इनको कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट कर दिया तो थ्रू द वायर चार्ज फ्लो होने लग गया, चार्ज फ्लो होने लग गया। इस फ्लो होने के दौरान वायर गर्म भी होगी तो कुछ ना कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी शेयरिंग करने की वजह से। शेयर हो गया, शेयर करने की वजह से क्या हो गया, एनर्जी लॉस हो जाएगी। वो एनर्जी लॉस कितनी होगी वो निकालना है हमें। ठीक है, चलिए एनर्जी लॉस निकालते हैं। आइए,